हमने 1989 में जब हमारा प्लांट प्रारंभ करा, इसके बाद यहाँ महसूस हुआ कि एक ग्रामीण अंचल है और कुछ आदिवासी क्षेत्र भी लगता है और यहाँ पर शिक्षा की सुविधाएं बहुत कम थी। तब हमें लगा कि हम यहाँ उद्योग व्यवसाय भी करते हैं, इसके साथ समाज सेवा का एक हमें प्रकल्प चालू करना चाहिए। 1996 में जब हमने इसको प्रारंभ करा, तब मैंने मेरी पत्नी से कहा कि इस स्कूल को जब तक कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं देखेगा, तब तक हमें सफलता उतनी नहीं मिलेगी। जब मुझे संचालन संभालने के लिए कहा गया, ये मेरे ससुर जी के नाम पे था और इसको ये हमने नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाना था। ये सेवा का एक काम था, इसीलिए मैंने स्कूल का संचालन करने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले जब हमने ये स्कूल शुरू किया था, तब ये छोटी सी बिल्डिंग थी, उसमें 180 बच्चे पढ़ते थे। हमारा प्लान था आगे कि हम बड़ा स्कूल बनाएंगे जिसमें बच्चों को सब फैकल्टी मिले, सब सुविधा मिले, अच्छे क्लासरूम मिले। तो फिर हमने 12 तक स्टार्ट किया, तब 180 बच्चों से शुरुआत की थी और आज 1500 बच्चे हैं। People of Badnambar are very fortunate that they have got a school like English medium CBSE school in a small place like Badnambar. Because when you get a right kind of education, I feel the parents also would like to send their children to the school. शुरुआत में स्कूल ज़्यादा नहीं थे और चॉइस के लिए कुछ एक स्कूल थे, लेकिन हमने इसी स्कूल को चॉइस किया था क्योंकि CBSE एफिलेटेड स्कूल ये बदनावर में शायद पहला स्कूल था। स्कूल में सभी तरह के बच्चे और विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हुए आए, लेकिन सारे बच्चों का पार्टिसिपेट हर चीज़ में रहा, चाहे वो क्लास की एक्टिविटीज़ हो, स्कूल का एनुअल फंक्शन हो, स्कूल का स्पोर्ट्स डे हो, बच्चों ने हर तरीके से उसमें पार्टिसिपेट किया है और अच्छी पोजिशन में निकले हैं यहाँ से। हमको टीचर्स की बहुत प्रॉब्लम जाती थी क्योंकि रतलाम से टीचर यहाँ पर लाना रहते थे, क्योंकि ये ग्रामीण एरिया है तो यहाँ पे टीचर तो मिलते नहीं थे। तो हम शुरू से रतलाम से यहाँ पे लेके आते थे, तो हमने अपनी सुविधा अपने व्हीकल से टीचर्स को लेके आते थे, पर रोड खराब होने के कारण टीचर्स भी बड़ी मुश्किल से मिलते थे। तो व्हेन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी विद कश्यप विद्यापीठ, सो आई रियली एक्साइटेड फॉर दैट एंड आई जॉइंड विद द कश्यप विद्यापीठ। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस व्हेन आई मेट विद द प्रिंसिपल मैम एंड द अदर सीनियर स्टाफ। दे ऑलवेज सपोर्ट विद मी, whenever I ask for something, some queries, they always help me. When we started with the school, there were hardly 15 to 20 staff members, but today I'm happy to announce that there are about 60 staff members teaching in our institution. कि यहाँ पे टीचर्स काउंसलिंग भी देते हैं हमें। मैंने 11th कॉमर्स इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे दो तीन टीचर्स ने काउंसलिंग दी। जो जैसा सीखता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व बन जाता है, तो हमारे टीचर्स का ये प्रयास रहता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, उसका साथ ही साथ उसका व्यक्तित्व का विकास बहुत अच्छी तरीके से हो। इसके लिए हम सभी टीचर्स बच्चों की दैनिक गतिविधियों पर ध्यान रखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते रहते हैं, जिसके अंतर्गत हमें यदि किसी बच्चे का एब नॉर्मल बिहेवियर पता चलता है, उसके एब नॉर्मल बिहेवियर के कारण का पता लगाते हैं और उसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। बच्चों से बात करके तथा उनके माता पिता से बात करके, उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानकर फिर बच्चों को समझाया जाता है तथा टीचर्स को भी मार्गदर्शन दिया जाता है कि आपको इस बच्चे के साथ इस प्रकार से बिहेवियर करना है कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई और हर फील्ड में बच्चा आगे बढ़े। Myself an environmental activist and I have learned everything about that by my teachers. My geographical, economical and democratical teachers had helped me and my principal has also invited me to do a workshop here in the school and I'm so glad that my school will be the first one in which I will start a local workshop by myself. Our male teachers also treat us like their own daughters. Our teachers teach us about the online scams, how innocent girls are trapped in the scams. To smaller classes, teachers also teach them about good touch, bad touch, and they shows them the films launched by CBSE guidelines.
our students almost have given 100% result in the 10th and the 12th board examination. Regarding the sports activities we see, our students have been participating in the Ratlam Sahodaya complex. Then they participated in the district level as well. One of our students went in shooting at the national level too. Not only sports if I talk about, we have the music section as well, where right from the very beginning we are training the children for Kathak, Tabla and vocal. डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है लाइक हारमोनियम तबला ढोलक बैंगो कॉन्गो एक्सेट्रा. कश्यप विद्यापीठ में हमने विचार मंच की एक अवधारणा को स्थापित करा है. वो प्रति सप्ताह बच्चों को एक विषय के ऊपर अपने विचार व्यक्त करने के लिए हम लोग रखते हैं. उस तैयारी में वे स्वयं तो तैयार होते हैं, साथ में उनके माता पिता भी तैयार होते हैं. विचार मंच एक बहुत अच्छा प्रयोग है और वह यहाँ के बच्चों के अंदर हमने स्थापित करने में हम काफ़ी हद तक सफल हुए. Of course, textbook content is important, but the way you handle it, the way you manage it, the way you deliver it, it matters more. Children are just not focused on the content that is given in the book, but they work on the experiential and the joyful teaching learning process. दूसरे स्कूलों में जैसे मैथ्स के टीचर रहते हैं, वो सीरियसली पढ़ाई करते हैं, वो फार्मूलाज लर्न कराते हैं, बट अवर टीचर्स डांस विद अस, प्ले विद अस, एजुकेशन को फन बना के उसका कॉन्सेप्ट समझा के और फिर पढ़ाई कराते हैं. आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है. कोरोना में स्कूल को चलाने में हमारे जितने भी टीचर थे उन्होंने बहुत सहयोग दिया. सबने ऑनलाइन क्लास की, कोई पढ़ाई का हर्जा नहीं हो इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की. कोरोना के काल में हमने अपने आप को मोबाइल के साथ कंप्यूटर के साथ अपग्रेड किया और बच्चों तक मोबाइल के वीडियो और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान की. I had been working in previous schools also, but the experience was that totally it was result oriented. But when I came over here, their overall focus was on the development of the personality of the students. They wanted to have a 360 degree development of our students, and that is how we have variety of activities being included in our school. Kashyap Vidyapeeth is being known for its special qualities which is being given to student in the form of Jeevan Vigyan, where yogic exercises are done along with moral values. I think today when I see the children being placed so well in variety of fields, we have doctors, software engineers, data operators, they are working as judge. I feel all these activities that we carry out throughout the year play a vital role in their lives. मेरी बड़ी बेटी बीई करके एमबीए किया है और आज आईसीआईसीआई में जॉब कर रही है. दूसरी बेटी सागर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस पास करके इंटर्नशिप में है. मेरे पोते पोतियों यहीं पढ़ते हैं, हमारा पूरा परिवार यहीं पढ़ाई कर रहा है. कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई इंदौर रह रहा है. इस विद्यालय ने हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल किया है. लड़का मेरा एवरेज ही था, लेकिन आगे जाके उसने ऐसा ग्रोथ किया और उसको ऐसा फील हुआ कि नहीं, मैंने जहाँ से एजुकेशन किया है बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन मिला हमें. आज वो आईटी कंपनी में इंटरनेशनल लेवल की इंग्लिश में भी बात कर लेता है, ये गर्व की बात है. मार्क्स गेन करके आज जेएनयू में हिंदी और इंग्लिश पर जो उन्होंने आज अपना दबदबा बनाया है और साथ में उसके साथ रशियन और स्पेनिश भाषा को सीखकर आज बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ डील करने के लिए उनको भाषा उनको बड़े मदद करती है. वी आर हैविंग पर्टिकुलर कैंडिडेट अनमोल कांकरिया हु हैज गेट अ जॉब इन गूगल फॉर अ पैकेज ऑफ 1 करोड़.
अलग अलग, क्योंकि संस्कार के जितने कार्य होते हैं ये सारे हमने स्कूल के अंदर अभी चालू हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात करेंगे तो जब तक व्यक्ति और परिवार आत्मनिर्भर होंगे तभी इस बात को हम आगे ले सकते हैं, और स्कूल ही उसके लिए पहली सीढ़ी है कि जहाँ से हम अगले 25 सालों के अंदर हम इस स्कूल को माध्यम बनाना चाहते हैं कि जहाँ के जो बच्चे निकले एक आदर्श के रूप में हो, स्वावलंबी हो और आत्मनिर्भर। जब हमने स्कूल शुरू किया था तब शिक्षा प्रणाली अलग थी, आज शिक्षा प्रणाली में बहुत बदलाव हुए हैं और इस बदलाव के साथ साथ हमने भी अपने स्कूल में बदलाव किए हैं, और मैं चाहती हूं कि ये इस प्रणाली के साथ हम बच्चों को शिक्षा देकर ये स्कूल देश के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में से एक बने। शिक्षा